चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे देखते हैं हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। चलिए अनरियलाइज प्रॉफिट। सर ये होता क्या है अनरियलाइज प्रॉफिट, एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, आपको अप्लाई करना आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक्स लिमिटेड, ठीक है, और एक मान लेते हैं हम वाई लिमिटेड। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो अपना काम सारा कौन करेगा? एक्स लिमिटेड अपने तरीके से करेगा और वाई लिमिटेड अपने तरीके से करेगा। दोनों का कोई लेना ही देना ही नहीं है, तो हर कोई अपना डायरेक्टर बिजनेस सब अलग चला रहा होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे इसकी बैलेंस शीट बना रहे जा रहा हूं मैं, और यहां पे इसकी बैलेंस शीट। इसका अपना शेयर कैपिटल होगा मान लेते हैं 10 लाख रुपए का, इसका अपना शेयर कैपिटल होगा मान लेते हैं 5 लाख का। मान लेते हैं ये जो कंपनी है, और ये कंपनी थोड़ा सा इनका नेचर बना दूं, ये क्या करता है, ये थ्रेड धागे बनाने वाली कंपनी है, और ये क्या है, क्लॉथ क्लॉथ बनाने वाली कंपनी है। हो सकता है पॉसिबल ऐसा? तो इन दोनों का कहीं ना कहीं आपस में वैसे तो लिंक नहीं है, वैसे ये दोनों आपस में डील कर सकते हैं, है ना, ट्रेडिंग कर सकते हैं कि भाई सामान दे दो, सामान खरीद लो, सामान दे दो। हुआ ऐसा कि जो धागे बनाने वाली कंपनी इसी को सामान बेचेगा, धागे बनाने वाली कंपनी ने कपड़े वाली कंपनी को ये सामान खरीद के लाता है। कितने का? सर सामान खरीद के लाता है, ये मान लेते हैं कि जो 20,000 रुपए का सामान खरीद के लाता है ना, तो ये क्या इसको 20,000 का ही बेच देगा? नहीं बेचेगा, सोचो, ज्यादा का बेचेगा, और ज्यादा क्या जोड़ेगा उसमें, वो अपना प्रॉफिट। इसने प्रॉफिट 2,000 रुपए ऐड कर लिया, इसने प्रॉफिट क्या करा यहां पे 2,000 रुपए ऐड कर लिया, और उस 2,000 रुपए प्रॉफिट को यानी 22,000 रुपए का इसको बेच दिया। जब इसको 22,000 रुपए का इसने बेचा तो इसका स्टॉक बिका नहीं है, तो अपने पास इसने स्टॉक का एंट्री कर रखा है, और इसका स्टॉक कितने का शो होगा? 22,000, है ना। और इसके पास स्टॉक में थोड़ी ना शो होगा, कैश में ट्रांजेक्शन चल रहा है, आप डेटर क्रेडिटर के दिमाग में मत लीजिएगा, कैश में चल रहा है, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से, यानी मैं कह सकता हूं कि वाई लिमिटेड ने सामान बेच रखा है एक्स लिमिटेड का, और एक्स लिमिटेड के बैलेंस शीट में वो 22,000 रुपए शो हो रहा है। अब कुछ समय बाद ये दोनों क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि यार हम दोनों काम एक ही तरीके का करते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं। कंपनी एक्स लिमिटेड ने खरीद लिया वाई लिमिटेड को, और अब सिर्फ बच गया एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड जब अपनी बैलेंस शीट को देखेगा तो देखेगा यार एक सामान तो मैंने खरीदा था वाई लिमिटेड को, जब मैं इस कंपनी को खरीद लूंगा तो इसकी सारी सच्चाई जान जाऊंगा मैं इससे पूछूंगा वाई लिमिटेड के, बोलूंगा अब तो बता दे कि तूने मुझे कितने रुपए का खरीदता था और मुझे कितने का बेचता था। तो इसने बोला सर मैं आपसे झूठ क्या बोलूं, मैंने क्या करा था कि मैं 20 का खरीदता था और 22 का बेचता था। अब एक्स लिमिटेड का दिमाग खराब होगा कि बोलेगा अब ये कंपनी जब मेरी ही कंपनी है तो सामान को इसने प्रॉफिट कमाया है, इसने जब प्रॉफिट कमाया है तो अपना रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर रहा होगा ये 2,000 रुपए, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में शो कर रहा होगा। ये बोलेगा यार अब ये मेरी ही कंपनी है और मैंने इससे खरीदा है, तो मींस यहां पे 2,000 रुपए एक ऐसी एंट्री करी हुई है हमने जो कि हमारे स्टॉक का पार्ट नहीं है। तो ये वो वाला प्रॉफिट है जिसे बोला जाएगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। समझ में आ रही है बात? तो जब ये बैलेंस शीट बनाएगा कुछ भी करेगा तो इसको ठीक कैसे करेगा? ठीक करने का तरीका है कि अपने इस 22,000 में से क्या करेगा, माइनस कर देगा। 22,000 में से क्या करेगा, माइनस कर देगा। एंट्री क्या करेगा, अपने स्टॉक को रिड्यूस कर देगा 2,000 से।
जब स्टॉक को रिड्यूस करेगा 2000 रुपए से तो स्टॉक क्या होगा, क्रेडिट, तो सर डेबिट भी तो होना है। डेबिट ये गुडविल के नाम से एंट्री मार देगा, एक गुडविल टू स्टॉक, अलग अलग चीजें होती है। अभी सिर्फ आप स्टॉक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मैंने ऊपर गुडविल लिख दिया है एक एंट्री, क्योंकि उसने क्या करा, सामान महंगा में खरीद लिया। तो जब भी एमलगमेशन में कोई भी सामान हम सामने वाली पार्टी से महंगे में खरीद रहे होते हैं तो उसका एक ही मकसद हुआ करता है, और वो हुआ करता है गुडविल। और कोई उसके चीज को हम सस्ता खरीद लेते हैं तो उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है कहां भेज देते हैं हम, कैपिटल रिजर्व में चले जाता है। तो वो चला जाता है हमारा कैपिटल रिजर्व में। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन समस्या पता है कब आएगा, समस्या आएगा कि आपको ऐसे सीधा सीधा वो नहीं बोलेगा कि 2000 रुपए कमाए हैं, वो ये बोलेगा आपको कि उसने 2000 नहीं कमाए, 20% कमाए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 20% बोला है इसने, तो बताइए अगर ये बोलता है कि ये 20% कमा रहा है तो 20% किस पे कमा रहा है बताइए, सॉरी 10% बोल देते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेते हैं। इसने बोला कि ये कितना कमा रहा है हमारा, 10%, तो बताइए 10% कमा रहा है तो किस पे कमा रहा है ये, 20,000। और व्हाट इज द 20,000, 20,000 इज यानी किसके ऊपर 10% कमा रहा है, कॉस्ट के ऊपर कमा रहा है। समझ में आई बात आपको? ऐसा भी बोल सकता है ये कि हम कुछ ऐसा परसेंटेज डिसाइड कर दे और आपको बता दे 20%। अब इसके लिए बताया कि जो एक्स लिमिटेड में स्टॉक इंक्लूडेड है, मान लेते हैं जब 10% है, या 10 के जगह पे मैं ना कोई और डिजिट ले लेता हूं ताकि आपको इजी रहे, मान लेते हैं 4000 कर लेते हैं, तो कितने हो गए हमारे, 20% हो गए। इसने कहा कि इसके अंदर जो स्टॉक इंक्लूड है तो ये बताइए जो 24,000 है ये क्या है, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड के स्टॉक में एक ऐसा स्टॉक इंक्लूड है जो कि वाई लिमिटेड ने बेचा था, और वो बेचा था मान लेते हैं 16.66% ऑन सेल्स, किस पे, सेल्स पे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बोला गया सेल्स पे 16.66% बेचा गया है तो आप उसका प्रॉफिट जो निकालोगे वो आप किस पे निकालोगे, 24,000 पे निकालोगे, या फिर आप किस पे निकालोगे, 20,000 पे, बताइए किस पे निकालेंगे। जब मैंने बोला सेल्स पे तो आप सीधा 24,000 पे 16.66% निकालेंगे। इसकी मैं अलग से भी क्लास ले लूंगा कि परसेंटेज कैसे चेंज होता है, आप चेक करिए। 24,000 पे 16.666 लाख तक ले जाऊंगा तो 4,000 ही आएगा। तो यानी क्वेश्चन में एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है 16.66% ऑन सेल्स, तब तो 24 पे निकालोगे। अगर मैं बोलूं 20% ऑन कॉस्ट तो 20 पे निकालेंगे। तो यहां पे बस एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि वो प्रॉफिट किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर है कि कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है। दूसरा वैसा वर्षा हो सकता है, क्या पता इसने इसको बेचा हो सामान, यह भी तो हो सकता है। जब इसने इसको सामान बेचा होगा तो इसके स्टॉक के अंदर आ जाएगा वो, हाँ या ना। जब हम इसके स्टॉक को एक्वायर करेंगे तो कहानी फिर से घूम फिर के आ गया, मैंने उस स्टॉक को एक्वायर कर लिया है जिसके अंदर मैंने ही प्रॉफिट डाल के बेचा था उसको, तो यहां से फिर से प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और उस प्रॉफिट को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो उसको बोला जाएगा अंडरलाइज प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, अभी जितना भी हमने देखा है इसमें से एक ही बात हमें समझ में आती है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है, कि जब दोनों कंपनी आपस में कोई ट्रेडिंग कर रही होती है तो एक कंपनी उसको मुनाफे पे बेचता है तो उसके स्टॉक में रह गया तो अनरियलाइज्ड। मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि अगर इसके 24,000 का बेचा और ये स्टॉक सोल्ड कर चुका है, ये स्टॉक बेच चुका है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि है ही नहीं स्टॉक, कहां से निकाल रहे हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर हमारे स्टॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आएगा। हमने उधार माल बेचा था, डेटर से इसका कोई लेना देना या क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं होगा, समझे बात आप। तो एक बुक का क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम वेरीफाई कर लेंगे एडजस्टमेंट के थ्रू, ठीक है। एक कौन सा क्वेश्चन था, हाँ आपके बुक में था, 10th
टेंथ का फिफ्थ पार्ट, चलिए बुक यहां रख लेते हैं, टेंथ का फिफ्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, सिर्फ मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन 10 होगा ना, इसमें इसी एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी। पहला एडजस्टमेंट है इक्विटी इतने दिए, प्रेफरेंस इतने दिए, डिबेंचर को उसको कन्वर्ट कर दिया सेम नंबर में, सन्ड्री डेटर इतने का है, और ये सारी बातें कही गई है। और उसके साथ साथ सन्ड्री डेटर बीइंग ड्यू फ्रॉम अल्फा, वही कॉमन डेट वाली जो हमने सीखी थी। बिल्स पेबल वाली बात हम करेंगे, पहले मैं स्टॉक वाले पे कहता, कहता है दो कंपनी यहां पे, एक अल्फा एक बीटा है, एक यहां पे अल्फा है और एक बीटा है, दो कंपनी हो गई। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि स्टॉक ऑफ बीटा, सबसे पहले तो कौन किसको खरीद रहा है, बीटा टेक ओवर, यानी ये बड़ी कंपनी है, इसने इस कंपनी को खरीद लिया। कहता है भाई बीटा के बैलेंस शीट है और बीटा के स्टॉक में, कहता है स्टॉक ऑफ बीटा लिमिटेड 30,000 रुपीज गुड्स परचेज फ्रॉम अल्फा लिमिटेड, इसके पास जो स्टॉक है वो है 30,000 रुपए का, जिसको खरीदा था इसने किससे, बताइए किससे खरीदा था, अल्फा लिमिटेड से खरीदा था इसने इस 30,000 रुपए को। तो क्या लगता है कि आपको अल्फा लिमिटेड ने इसको बिना प्रॉफिट के बेच दिया होगा? बिना प्रॉफिट का तो दुकानदार अपने किसी घर में रिलेटिव को भी नहीं बेचता, वहां भी प्रॉफिट मार्जिन रखता है। आगे कहता है क्वेश्चन में कि विच अल्फा लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, और अल्फा लिमिटेड ने 25% कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट कमाया था। क्वेश्चन क्या हुआ, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या हुआ कि अब जब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, इसने कितना प्रॉफिट कमाया था, 25% किसके ऊपर, यानी इसके लिए, इसके लिए ये जो 30,000 है कॉस्ट है या सेल्स है, सेल्स है, तो 25% इसके ऊपर तो अप्लाई नहीं किया जा सकता, 25% इस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। यानी अगर हमें यहां बता देता कि ये 20,000 वाला सामान 30 में बेच रहा है या इतने कॉस्टिंग का सामान बेच रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो सो दैट आपके पास एक सिंपल सा आपका जो कि इक्वेशन मेथड करते हो, हम मान लेते हैं क्या, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में जीपी, यही होता है। सेल्स पता है आपको, कॉस्ट नहीं पता एक्स, जीपी पता है सेल्स के ऊपर कितने परसेंट, नहीं सेल्स के ऊपर कॉस्ट पे 25 है, किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है, तो कॉस्ट के ऊपर सर 25 है, तो कॉस्ट तो हमारा एक्स है, कॉस्ट को हमने एक्स कंसीडर किया है, तो ये आ जाएगा एक्स बाय फोर। समझ में आया एक्स बाय फोर कैसे आया, समझ में आ रहा है आप सभी को एक्स बाय फोर कैसे आया? तो सर एक्स की वैल्यू अगर सॉल्व कर ले तो हमें क्या पता चल जाएगा, किसको माना है, कॉस्ट। जब कॉस्ट पता चल जाएगा तो सिंपल परसेंटेज अप्लाई कर लेंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 30,000 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 120 इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू निकाल लो, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 5 कितने आ रहे हैं, 24,000 क्या आ रहा है बताओ, एक 20 है, हाँ 24,000 आ गया। तो सर 24,000 क्या आया है, x, और सर x क्या था, कॉस्ट, तो 24,000 कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर कितना कमा रहा है, इस पे निकाल लो 25%, 6,000। इसका मतलब इसमें कितना, वैसे भी अंदाजा लगा लोगे जी, 24,000 का सामान था तेरे को 30 का बेचा था, तो प्रॉफिट क्या है, 6,000, 6,000 रुपए आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा यहां से। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस के लिए मैं एक क्लास, जब कल मैं क्लास लूंगा तो उसके अंदर शॉर्ट प्रोसेस के अंदर मैं स्टार्टिंग से बता दूंगा इनिशियली कि क्या रहेगा। बाकी देखो मैं डायरेक्टली अगर कहूं ना, इस पे 25 अगर आपका बोल रहा है ये कॉस्ट पे है, तो ऑटोमेटिक एक परसेंटेज होता है सेल्स पे, ऑटोमेटिक बनता है 20%। ये आपको फर्स्ट ईयर में भी जिस बच्चों ने पढ़ा था ब्रांच वाले में लिखवाया था, 11th में भी जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको भी लिखवाया हुआ है। इसके बाद हर जगह मैं बताता हूं, लेकिन भूल जाते हो कोई बात नहीं, फिर दोबारा मैं टेबल बता दूंगा और कुछ चीजें बताऊंगा। सीधा 20%, उसमें आपको x की वैल्यू लेट करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, सीधा 20% निकालोगे, निकाल के देखो इसका 20%, और 6,000 आपको एलिमिनेट करना है, तो आप देखोगे बैलेंस शीट चेक करना, क्योंकि एडजस्टमेंट तो मैं कर नहीं रहा, सिर्फ एडजस्टमेंट समझा रहा हूं मैं,
तो बायर लिमिटेड के अंदर था तो बायर लिमिटेड के बैलेंस शीट में देखना 6000 माइनस करा होगा, और जर्नल एंट्री भी बायर लिमिटेड का देख लो क्योंकि जर्नल एंट्री करा है, देखो गुडविल टू स्टॉक कर रखा है, सातवीं एंट्री जिसके पास बुक है, गुडविल टू 6000, समझ में आया ये 6000 कौन सा है? मैंने बताया था कि जो चीजें हमें एक्स्ट्रा पे खरीद ले उसको किससे करते हैं, गुडविल से, और बैलेंस शीट में भी जाके देखोगे तो गुडविल टू स्टॉक यानी गुडविल बढ़ा दिया होगा उसने और स्टॉक को घटा दिया होगा, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आप बैलेंस शीट में भी जाके चेक कर सकते हो। तो एक एडजस्टमेंट तो हमने कर लिया, और बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग था क्या आपका? राघव का जवाब आ गया यस सर 24,000 रुपीज। बताइए किसी का डाउट है क्या? जी 10 के अंदर मैं पढ़ लेता हूं, एक है बिल्स पेबल ऑफ अल्फा बीइंग बिल्स आपका एक्सेप्टेड बीटा लिमिटेड बट बिल्स रिसीवेबल बीटा लिमिटेड इंक्लूड 5000 रुपीज। तो जब कभी भी ऐसा हो कि मान लेते हैं कि ये दोनों कंपनी अलग अलग है अल्फा और बीटा, इसने इसको सामान बेचा, इसके पास बीआर है, इसने सामान खरीदा, इसके पास बीपी है, तो दोनों के बीआर और बीपी में से कम हो जाएगा, कौन सा अमाउंट कम होगा, जो विच एवर इज लोअर रहता है वो कम होता है, क्योंकि सेट ऑफ कर देंगे, जैसे 5000 दे रखा है, 5000 जिसके भी बीआर में जुड़ा हुआ है उसको कम कर दो और इधर क्रेडिटर या बीपी में भी कम कर दो, बाकी मैं कराऊंगा ये पूरा क्वेश्चन बता दूंगा मैं। इसके बाद स्ट्रेचरी मेंटेन करना है 2 ईयर तक, तो आपको पता ही है स्ट्रेचरी, और स्ट्रेचरी की 2 एंट्री होती है, एक तो रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड होता है, एक बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के अंदर ले जाके क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, वैसे मैंने बच्चों को ये क्वेश्चन भेज भी, आप लोग जिसके पास बुक है ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल फेयरली पहले जर्नल एंट्री स्टेप बाय विद फॉर्मेट विद स्केलिंग विद बीइंग, ऐसा नहीं कि आपने मच्छर मार के भेज दिया मुझे, तो फॉर्मेटली करके बैलेंस शीट के साथ वर्किंग नोट क्लियरली, और वर्किंग नोट में आप मेरे लिए एक काम कर देना, मैं ये चेक करूंगा, जैसे ये वर्किंग नोट करा है मैंने, इस वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना स्टार बना के और पीछे 1 लिख के फिर इसको सॉल्व करना एक तरीके से जैसे बुक वाले करते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन करके भेजते हो, और ये दोनों में है, प्रोग्राम में भी मिल जाएगा, जो बच्चे प्रोग्राम का अगर वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे तो प्रोग्राम के अंदर भी सेम क्वेश्चन, मुझे जहां तक याद है कि मैं हर बार करवाता हूं, तो प्रोग्राम के अंदर भी है क्या आपके प्रोग्राम में है, और ऑनर्स में भी है, तो प्रोग्राम ऑनर्स नहीं, पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आप कल करके आएंगे ठीक है। तो होपफुली आपको एक एडजस्टमेंट क्लियर हुआ है, कल मैं सीधा सीधा एडजस्टमेंट फटाफट खत्म करूंगा, 2 से 3 दिन और लेने वाला हूं मैं इस चैप्टर के लिए ठीक है।